नमस्कार, News4nation देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही। इसी बीच एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ओर आग लगी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर रार बरकरार है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सबसे पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिए, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं और वो भी महागठबंधन को टाटा बाय बाय बोलकर कहीं दूसरी तरफ जा सकते हैं, किसी और पाले में जा सकते हैं। ऐसे में अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसका रिएक्शन दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन इंटैक्ट है, तेजस्वी यादव को वाम दलों का सपोर्ट मिल रहा है, महागठबंधन का जन सैलाब दिख रहा है कि अलग अलग पार्टियां अब सपोर्ट में खड़ी हो रही हैं। सबसे पहले वाम दल शामिल होने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन इंटैक्ट है। चिराग पासवान की वजह से जिस तरीके से एनडीए में आग लगी है, एनडीए वाले को सोचना चाहिए कि वहां पर रार की स्थिति बरकरार है। और आगे मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी, एनडीए ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि वहां के नेता एक एक करके महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आप सुनिए। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हमारे विरोधियों की घबराहट और छटपटाहट इसलिए है कि एनडीए में आग लगी हुई है। महागठबंधन का तो दायरा बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सभी वामपंथी पार्टियां महागठबंधन में आ रही हैं। तो महागठबंधन में तो जनता का सैलाब जुड़ रहा है कि भाई कहां कोई जा रहा है, ये एजेंडा सेट कर रहे हैं हमारे विरोधी। सभी लोग महागठबंधन में महामजबूती के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन जो लोग ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं महागठबंधन में टूट होगी फूट होगी, उनको अच्छी तरह कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अभी एनडीए में जो आग लगी है, एनडीए खाक हो जाएगी। अभी तो एनडीए के कई दल और नेता संपर्क में हैं। अभी चुनाव घोषणा के बाद इनको पता चल जाएगा कि एनडीए का अता पता नहीं रहेगा, ताश के पत्ते की तरह एनडीए बिखर जाएगी। तो आपने सुना साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी का यही कहना है कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, इंटैक्ट है और कोई भी इसकी एकता को तोड़ नहीं सकता। मृत्युंजय तिवारी ने ये कह दिया कि एनडीए को अपने बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है और जिस तरीके से एनडीए में रार मचा हुआ है, ऐसे में ये नज़र आ रहा है कि अब जल्द से जल्द एनडीए टूट जाएगी। लेकिन महागठबंधन पहले से एकजुट है और अब तो जहां लेफ्ट पार्टी का साथ मिल रहा, वहीं अब दूसरे पार्टी की तरफ से भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में कई बदलाव नजर आ रहे हैं। ऐसे बीच खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक मीटिंग करने वाले हैं। ये आपात बैठक कही जा रही है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीते दिन भी ये खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तेजस्वी यादव से काफी खफा हैं क्योंकि उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि कुशवाहा होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं महागठबंधन में आग लगी हुई है और ये भी खबरें आ रही है कि आज उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद अब आरजेडी का रिएक्शन सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन इंटैक्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News4nation। नमस्कार।